अंदर ही सभी ऑल 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 मैम थोड़ा सा बाहर ही ना सर थोड़ा ऐसे मैडम मैडम आप रुको ना ऐसा हाँ बस थैंक सर एक पिक्चर लैंप के साथ ले लेते कोई ब्लॉक हो रहा है तो उनको साइड प्लीज सचिन जी सेंटर में आओ ना थोड़ा पीछे हो बेटा सर 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 एक मिनट नजर सर जरा पाठिया सर जरा पाठिया नहीं भाई थोड़ा कैप ऊपर कर थोड़ा नहीं माँ जी नहीं माँ जी इधर देखिए थोड़ा थैंक यू वेरी मच Excuse me, ma'am. Yes. All right, sir. Yeah. Thank you. Yes. Piku, jati kule bhi nahi. Ek minute, meri beti. Yeah. जिसमें आर्ट छोड़ना
महिमा जी क्या कहेंगे इस एग्जीबिशन के बारे में? आई लव आर्ट, सो आई लव आर्ट एग्जीबिशन. ऑल द आर्टिस्ट्स आर हियर देमसेल्व्स, दे आर सो एक्साइटेड. आई थिंक आफ्टर लॉकडाउन यू नो टू हैव एन एग्जीबिशन, टू हैव पीपल कम एंड सी लाइव, एवरीबडी इज बीन बाइंग आर्ट ऑनलाइन. मुझे ये पता है कि आई थिंक ड्यूरिंग लॉकडाउन आर्ट सोल्ड अ लॉट ऑल्सो, सो नाउ टू कम एंड सी इट फेस टू फेस, सी द स्कल्पचर्स, आई हैव लव्ड सम ऑफ द स्कल्पचर्स, डिस्कवर्ड सम न्यू पेंटर्स, सो या आई लव आर्ट, सो फॉर मी इट्स ग्रेट एंड माय डॉटर लव्स आर्ट, सो शी इज एन आर्टिस्ट, सो आई लव विजिटिंग. मैम आप क्या कहेंगे, मतलब इंटरनेशनली हम देखते हैं कि ऐसे टाइप के गैलरी, मतलब ऐसे टाइप के शोज़ होते हैं, आर्ट शोज़ होते हैं, तो यहाँ पे इतने कम होते हैं इंडिया में, तो आपको लगता है कहीं स्टार्स लोग को आगे आने आके प्रोत्साहन देना चाहिए? हमारे जो पेंटर्स हैं इंटरनेशनली बहुत अच्छे से उनको एक्सपोजर मिल रहा है एंड बहुत अच्छा सेल्स हो रहा है, बहुत अच्छी प्राइसिंग हो रही है, बहुत रेपुटेशन अच्छा है इंडिया का, इंडियन आर्टिस्ट्स का. हाँ, अभी जो उभरते आर्टिस्ट्स हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स से, सो यस, उनके लिए टू हैव एन एग्जीबिशन इन मुंबई, जैसे कोलकाता के लोग यहाँ आ रहे हैं, देन द एक्सपोजर, द प्लेटफॉर्म इज़ बिगर एंड बेटर, सो यस, वी शुड हैव मोर एग्जीबिशंस एंड यस, मोर पीपल शुड कम फॉरवर्ड एंड जस्ट अप्रिशिएट आर्ट, बिकॉज आर्ट ओनली सर्वाइव्स व्हेन यू हैव पेट्रंस, यू नो. महिमा जी आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं और क्या हम आपको रियलिटी शोज में देख सकते हैं? आप बताओ कैसी लगी पेंटिंग मम्मी के साथ? मुझे बहुत अच्छी लगी, और आर्टिस्ट से मिलके और वो बता रहे हैं कि वो कैसे बनाए, मतलब इंस्पिरेशन क्या थी, मुझे वो अच्छा लगता है. कोई पेंटिंग चॉइस मतलब आपको चूज करना है, कोई देखा आपने? व्हाट काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म डू यू लाइक? नहीं, मुझे सारे अच्छे, सारे अच्छे. मैम आप बताइए आपको कोई रियलिटी शोज में मतलब आप कुछ? नहीं नहीं अभी कुछ नहीं, जब होगा तो बता दूंगी. थैंक यू. बाइट्स लेट थोड़ा सा आगे ही मैम, थोड़ा क्लोज. तो कितने दिन मनाया आपने ये? तो इस पेंटिंग आर्ट क्या है? बाज है, बाज है वो बना रही मेरे आकाश में, वो अपने सपने जो है. सर पूरे एक बार इधर देखिए ना प्लीज, खुले आसमान में. सर इधर इधर थैंक यू. ओके जी, थैंक यू. खींच दो भैया एक फोटो दे देना.
सर बीच में से लो ना, पीछे ऐसे एंगल है, पीछे हमारा किसी को प्रॉब्लम नहीं जी, जी आपकी पिक्चर है। थैंक यू। इधर ही कर लेते मैम। ये भाई सब थोड़ा पीछे आ जाओ प्लीज, मेरे को दिख नहीं रहे पीछे वाले सब, छुप थोड़ा स्पेस लाना। थोड़ा ऐसा क्रॉस करेगा। हाँ ये सही है। आज कैसे लगा आपको एग्जीबिशन में और राजेंद्र जी के एफर्ट्स के बारे में थोड़ा बताएं? हाँ ये तो थोड़ा सा दे दो ना साइड पर, आप पूछिए क्वेश्चन। हाँ आज आपको कैसे लगा एग्जीबिशन? नहीं मिल पाएगा साइड, आप बाहर तो साइड से लो। मैं बोलूँ आप बोल रहे हो? लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। सो बहुत बहुत अच्छा लगा। वैसे भी आप ही बोलते हैं। अच्छा तो बिकॉज आप नहीं बोलते। तो बहुत बहुत अच्छा लगा इंडियन आर्ट फेस्टिवल में आकर पेंटिंग्स देखकर, बिकॉज दिस इज़ अ डिफरेंट फील्ड ऑफ आर्ट बट इट इज़ आर्ट एंड आर्ट हैज़ नो बाउंड्रीज। तो यहाँ पर मैंने बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग्स देखी, वाराणसी की पेंटिंग्स देखी, तो काबा की पेंटिंग्स भी देखी एंड महादेव जी की पेंटिंग देखी, तो वहाँ पे महात्मा गांधी जी की भी पेंटिंग्स देखी, हॉर्स की पेंटिंग देखी, तो साथ साथ में लेडीज़ और बच्चियों की पेंटिंग्स देखी जो अपना ड्रीम फुलफिल करना चाहती हैं। सो आई फाउंड एवरीथिंग विच अ ह्यूमन माइंड कैन इमेजिन आउट हियर एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैं यहाँ पर संग्राम जी के साथ आई, बिकॉज संग्राम जी भी आई थिंक बहुत प्रेरित हुए होंगे मेरी तरफ। जी देखिए, जो इंडियन आर्ट फेस्टिवल अपने आप एक बड़ी बात है, इसका हिस्सा बनना या यहाँ पे आना, थैंक यू उषा जी फॉर इनवाइटिंग अस। और मैं कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा आर्टिस्ट है परमात्मा, उसने हम सब ढेर सारे नमूनों को डिफरेंट डिफरेंट बनाया है और हम सब अपने आप में बेस्ट हैं। और जितने कलाकार थे यहाँ पे सारे बहुत बेस्ट थे, सारी पेंटिंग बेस्ट थी। अब मैं तो जज कर नहीं सकता क्योंकि मुझे उसका उसके बारे में नॉलेज है नहीं, मगर जो भी देखा वो सुपर था। ये जितने भी कलाकार हैं इनको ढेर सारी शुभकामनाएं, परमात्मा करे ये दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। हम अगली बार आएँ तो अगली बार 560 हैं, 30 से 40 हैं, तो अगली बार 2000 पेंटर हो और फिर मौका मिले आने का। पायल जी आप दो पेंटिंग आप देखे भी जा रही है, क्या पेंटिंग की है? दो पेंटिंग्स हमको गिफ्ट की गई है एंड वन पेंटिंग इज ऑफ वाराणसी विच हैज़ ब्लैक एंड ऑरेंज कमिंग आउट ऑन इट। दूसरा पेंटिंग है फाल्कन का एंड वो पृथ्वी सोनी जी ने ड्रॉ किया है, पेंट किया है। पृथ्वी सोनी जी इज़ फ्रॉम द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, उन्होंने सुभाष गाय जी के साथ बहुत यू नो फिल्में करी है, जहाँ पर उस समय पोस्टर्स को उन्होंने ड्रॉ किया है जब वी डिड नॉट हैव द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो पृथ्वी सोनी जी इन हिज 70s इज़ ड्रॉइंग विद पेंटिंग्स एंड मैं उनको देख के बहुत बहुत प्रेरित हुई क्योंकि मेरे पापा भी 70s में है एंड ही ऑल्सो कीप्स हिमसेल्फ बिजी एंड पृथ्वी सोनी जी अपने आप को इस एज में बिजी करके पेंटिंग्स ड्रॉ कर रहे हैं। एक पेंटिंग पृथ्वी सोनी जी की है एंड बनारस की जो पेंटिंग है हाँ जी परमेश पॉल और उनके जो पेंटर साहब हैं वो परमेश पॉल जी हैं एंड बनारस इज समथिंग दैट आई वांट टू विजिट। आशा करती हूँ कि संग्राम जी मुझे शादी के बाद वहाँ पे ले जाए, बनारस कश्मीर ये सारी जगह है जहाँ पे मुझे जाना है। मैं मोदी जी रिक्वेस्ट करूँगा, मोदी जी की वो है ना लोकसभा दूसरा, एक पेंटिंग से क्या सीखने को मिलता है सबको कि जिंदगी है ना एक ऐसे ही सफ़ेद वो है, एक बोर्ड है, उसके ऊपर हम खूबसूरत कलर कर सकते हैं, उसके ऊपर हम खूबसूरत ड्राइंग बना सकते हैं और एक अच्छी सी पेंटिंग बना सकते हैं। ज़िंदगी में तो अच्छा करेंगे तो अच्छी पेंटिंग बन जाएगी, अच्छी लगेगी, खूबसूरत लगेगी और डेफिनेटली हम वाराणसी जाएंगे, बनारस जाएंगे। बिकॉज हमारा जो लाइफ का पर्पस है, तो लाइफ का पर्पस आई थिंक वाराणसी जाकर सब भारतीय लोगों को वो एक्सपीरियंस करना चाहिए। लाइफ का पर्पस यस बिकॉज लाइफ अल्टीमेटली यू डोंट नो, इट्स अनप्रेडिक्टेबल, हम सब को कब ऊपर का बुलावा आ जाए हमें पता नहीं है एंड वहाँ पर जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि इट्स जस्ट एज सिंपल और एज कॉम्प्लिकेटेड एज। अच्छा आप मुक्ति धाम की बात कर रहे हैं। पायल जी आपने धाकड़ का प्रीमियर अटेंड की और फिर आपने धाकड़ पे ट्वीट भी कर दिया कि मतलब कि धाकड़ फैब्रिक के कोर्स को लेकर आपने ट्वीट किया है कि अखाड़ा कोर्स को लेकर उन्होंने धाकड़ का अपने जैसे ट्वीट किया था। मैं ट्विटर पर तो नहीं हूँ, मेरा ट्विटर सस्पेंडेड है बट आई थिंक यहाँ पर हमने काफ़ी पब्लिसिटी दे दी ना सब चीज़ों को। तो अभी हम इंडियन आर्ट फेस्टिवल के ऊपर बात करते हैं बिकॉज आई थिंक इंडियन आर्ट के ऊपर बात करते हैं ये सब चीज़ों के ऊपर कितना बात कर चुके
मैंने ट्वीट किया था धाकड़ के लिए कंगना जी के लिए कि मैं फिल्म देखो आप जाओ इतनी अच्छी फिल्म हो इतनी अच्छी एक्ट्रेस है जो प्रोड्यूसर साहब हैं भाई मोबाइल निकाल जाते हैं अभी भी एंड आई बिलीव कि पिक्चर के पीछे बहुत सारे लोगों का योगदान होता है पिक्चर को बनाने के लिए सो एवरीबडी इज हार्ड अर्न मनी इज उसके लिए मुझे बुरा लग रहा था एंड दैट इज व्हाई आई वेंट फॉर द प्रीमियर बट जो मुझे कहना था धाकड़ के बारे में और कंगना जी के बारे में और जो रियलिटी शो का मैं हिस्सा था वो मैंने बोल दिया तो अभी उसके ऊपर और क्या एंड आई लाइक कंगना जी एंड हर एक्टिंग तो मैंने इससे से ट्वीट किया था उनके लिए कि बड़ी मेहनत की उन्होंने फिल्म बनाई है देखो चलना ना चलना अपने हाथ में नहीं होता अपने हाथ में कोशिश होती है वो बेहतर करनी चाहिए बट क्या करें करवा देखिए फिल्म का परफॉर्मेंस उनका परफॉर्मेंस में काफ़ी सराहा गया था कंगना का चाहे कुछ भी हो बट उनका परफॉर्मेंस काफ़ी सराहा गया एक्ट्रेसिंग काफ़ी सराहा गया एक महिला के होते हुए ऐसा रोल करना बहुत मुश्किल होता है वो भी एक अच्छी बात एज अ महिला मैंने हर बार कंगना जी को सपोर्ट किया है जब उनका ऑफिस भी तोड़ा गया था पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा जब उन्होंने अपनी राय रखी थी किस मुद्दे के ऊपर और वो राय को एक्सेप्ट नहीं किया गया था अनदर पॉलिटिकल पार्टी द्वारा मैंने कंगना के को तब भी सपोर्ट किया था बिकॉज आई फेल्ट कि किसी को भी उनका ऑफिस कैमरा अंदर ले आ रहा है यार एंड सबको पता है कि मैं मेरा प्रेम कट रहा है यार किसी के बारे में समझ रहे हैं मैंने कभी उनकी एक्टिंग टैलेंट के ऊपर यहाँ पर बात कुछ और थी कर्मा की बात कुछ और तरीके से हो रही थी आप सबको भी समझ जाना चाहिए बिकॉज क्या होता है कि जिंदगी बहुत छोटी है और जिंदगी में जो हम बोलते हैं वो हम पाते हैं अगर हम कहीं ना कहीं कुछ गलत करते हैं उसका फल मुझे कंगना संग्राम जी आपको मुझको सबको यहाँ पर ही खाना बाकी अच्छी एक्ट्रेस है बहुत अच्छा काम किया उसने बहुत अच्छी फिल्म है और मैंने देखी और मुझे अच्छी लगी थैंक यू थैंक यू एक लास्ट क्वेश्चन है सिंगल हैंडेडली ये पूरा एफर्ट करके कोविड के बाद इनको वापस लाया तो आप उनके बारे में दो शब्द कह सकते हैं मैं पहला बोली देखिए मैं इतना मानती हूँ कि कोविड जैसा महामारी में के बाद फिर से लाइफ को यू नो पटरी पे लाना उनकी सबकी बाकी सब लोगों की बहुत बड़ा मेहनत का काम है बिकॉज कहीं ना कहीं कोविड में बहुत लोगों को एक तरह का यू नो सेटबैक हुआ था जो सेटबैक शायद वो खुद कवर नहीं कर पाए तो आई थिंक राजेंद्र जी का ये एफर्ट सब लोगों को फिर से साथ में ला के फिर से लाइफ को यू नो दिनचर्या को लाइफ को सही तरीके से आगे ले जाना बहुत सराहनीय है एंड आई होप दैट ही हैज़ दिस विल पावर ऑल हिज लाइफ एंड ही मेक्स द मोस्ट ऑफ इट देखिए मैं एक बात बोलता हूँ हमेशा कि चैम्पियन वो नहीं होता जो फर्स्ट आता है मेडल जीतता है ट्रॉफी जीतता है चैम्पियन होता है लगातार कोशिश करता है और राजेंद्र जी ने कोशिश की फिर से ले आए और मैं कह रहा हूँ कि भैया अगर कमज़ोर रहोगे ना कोविड भी मारेगा दुनिया भी मारेगी सब मारेंगे शरीर थोड़ा सा ताकतवर बना लो फिट हो जाओ हेल्दी हैबिट रखो तो भैया कोविड और इसके बाद तो जाता रहेगा छोटी मोटी बीमारी है तो अपने आप को तंदुरुस्त रखो अपना कमज़ोर रहोगे तो पड़ोसी पीटेंगे भैया दूसरे पीटेंगे बीमारी पीटेंगे तो हेल्दी रहो फिट रहो स्वस्थ रहो और खाना भूख से कम पानी डबल वर्कआउट ट्रिपल और हंसना चार गुना हो गया काम थैंक यू थैंक यू सर।